वेलकम। सो आज होने जा रहा है नवरात्रि ब्लॉग और बहुत दिनों के बाद हम सबसे आपका मुलाकात हो रहा है। सो कहना चाहूँगा अनिशा भी आ चुकी है। सो नवमी नाइट वी आर ऑल सेट टू गो ऑन अ पैंडल होपिंग सीन। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बंदी काफ़ी नाराज़ है क्योंकि मैंने क्या कर दिया क्या क्या कर दिया यहीं पर 8 बजा दिया। सो लड़का जितना करता है नहीं मेरा एक्चुअली गोप्रो सेट नहीं हो पा रहा था। बहुत दिनों के बाद मैंने गोप्रो हाथ में लिया है और मतलब व्लॉगिंग करने का आदत खत्म सा हो गया है। सो आशा करता हूँ आप ये व्लॉग पे बने रहेंगे। सो दसैं को यो हो हाम्रो फर्स्ट पैंडल विजिट जुन चाहिँ कि हाम्रो डाँडागाउँले यो पालि पूजा गर्नु भइरहेको छ। अन्त दिस इज हाउ द मन्दिर लुक्स लाइक एन्ड दिस एक्ज्याक्टली हाउ इट लुक्स लाइक। मेरा विलेज है वो पंडाल के रमजम में रम चुका है और कल विजयदशमी है। सो उससे पहले आज के दिन में जो हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं मतलब बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। सो कल दशमी है उससे पहले ये हमारा गांव कितना प्यारा लग रहा है देखो। इस बार उन्होंने फर्स्ट टाइम किया है फर्स्ट एफर्ट में बहुत ही प्यारा मतलब सब जन ने मिलके किया हुआ है। और ये रहा हमारा आज का नवरात्रि नाइट स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप ब्लॉग पे बने रहेंगे और पैंडल हॉपिंग की सारी सीन और सीनरी हम आपको जाके दिखाएंगे। सो हम ऑफिशियली घर से अभी निकल चुके हैं। सो देखो बागडोगरा का हालत ऐसा हो के रखा है जो कोई भी बागडोगरा का मिस कर रहे हो जो भी ये ब्लॉग के द्वारा जुड़े हुए हो तो देख सकते हैं कि मतलब इतना प्यारा लग रहा है बागडोगरा क्या ही बताओ आपको यार। ऐसा दिख रहा है ब्यूटिफुल नवरात्रि नाइट एंड वी आर जस्ट लविंग इट। मैं और अनिशा निकल चुके हैं नवरात्रि रात को घूमने के लिए। पता नहीं ये रात कब खत्म होगी लेकिन अभी हम लोग अभी ऑफिशियली स्ट्रीट पे निकल चुके हैं। सो इस बार साठ दुर्गा पूजा है लेकिन क्योंकि कई कारणों की वजह से हम लोग नहीं मतलब सेलिब्रेट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी काफी अप एंड डाउन हुआ मतलब काफी क्योंकि मम्मी पापा मेरे को बता नहीं रहे किस रीजन से वो दिल्ली जा रहे हैं। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि मतलब हमें पता ही नहीं है किस रीजन से मॉम डैड दिल्ली जा रहे हैं। बट ऑन अ सैड नोट आई वुड लाइक टू सी दैट लाइक दिस इज समथिंग दैट व्हिच आई डोंट वांट। और देख सकते हो आगे देखो तो वहां पे ये लाइट देखने के लिए अनिशा इतनी उत्सुक थी कि मतलब मैंने बोला चलो यार 3 बजे जाते हैं शी वांटेड टू कम अभी। सो मैं मेरे को भी समझ में आ रहा है कि मतलब एक्चुअली क्यों क्या रीजन से हुआ है। सो समझ में नहीं आ रहा है क्या कहूँ मिक्स फीलिंग है मिक्स इमोशंस है। और इसी के साथ अब जिस दशमी का शुरुआत करते हैं हाँ शायद सब कुछ ठीक रहेगा लेकिन मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटूंगा ठीक है। पैंडल घूमने में ये फर्स्ट पैंडल घूम रहे हैं मुझे बहुत पावर अच्छे जोड़ने वाले फर्स्ट एक्सपीरियंस दुर्गा पूजा का आगे का जैसा नहीं लगा लाइक लास्ट ईयर इट वाज लाइक थोड़ा ज़्यादा पंडाल था और इस बार तो मतलब पूजा जो बनाया है वो भी कम बनाया है लेकिन थोड़ा मतलब मे भी ममता ने पैसा देना बंद कर दिया। हाँ तो नहीं वो पॉलिटिकल में तो उसमें नहीं जाऊँगी लेकिन पूरा कंपेरेटिवली लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर से ना पूरा कम पंडाल बना हुआ है और इतना ज़्यादा भीड़
कम पंडाल होने के कारण क्राउड ज्यादा है, क्राउड ज्यादा है और दर्शन भी अच्छे से करने नहीं दे रहे। अच्छे से दर्शन भी करने नहीं पाए तो क्या फायदा पंडाल से। तो बहुत ही प्यारा बना है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही प्यारा सा पंडाल है और यहाँ पे उतना ज्यादा भीड़ भी नहीं है। हम यहाँ पे एक्चुअली दर्शन कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा भीड़ नहीं है लोगों की। और निशान माँ को देखो, बहुत ही प्यारा छोटा सा पैंडल बना है यहाँ पे लेकिन पीसफुल है। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग इसको देख के एक्चुअली खुशी हुआ क्योंकि उतना भीड़ नहीं है, लोगों का ग्रुप नहीं है। यही पैंडल मिला जो खाली खाली है, बाकी सब पैंडल तो काफी भीड़ है। तो अनिशा व्हाट डू यू थिंक? छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है, देख सकते हैं आप एकदम ज्यादा भीड़ नहीं है और अच्छे से आप सब दर्शन करने पाएंगे तो मन खुश हुआ वो दर्शन करने के लिए। सो आज फोटो अच्छा क्यों नहीं निकल रहा है? पता नहीं, आज मेरा कैमरा मुझे पता होगा मुझे ना इतना चुपचुप निकलता है। हम लोग अंधेरे में जा रहे हैं, बट द थिंग इज दैट कि मतलब पता नहीं क्या है ये पंडाल में कि मतलब इतने जोरों शोरों से आदमी लोग लगे पड़े हुए हैं। आई नॉट सीन है लेकिन मैंने सुना अपने दोस्त से कि मतलब काफ़ी बढ़िया पंडाल बना है। सो देखो गली गली में मतलब टोटो से लेके बाइक सब पार्क्ड है, इतना तो मतलब कहीं पर भी ऐसा भीड़ नहीं रहता और पता नहीं कि आगे जा चल के क्या होगा, मेरे देखना है। इतना क्रेज़ किस लिए है एक पंडाल के लिए? यति मान्छेहरू छ, बाबरे भिड भइरहेको छ, के भन्छ घुमिरहेको छ, रमाइरहेको छ। तर एक चिज चाहिँ बहुत अच्छा थियो हो यो पेन्डल कि हर टाइम जग्गा छैन, मतलब कार बाइक स्कुटी बन्द गरिदियो, जो भी आएगा आधा आधा रास्तामै कार बाइक बन्द और यहाँ चाहिँ अच्छे से घुम्ने पाए। एक्चुअली सब त हाट करके चल रहा है ना, वही थियो किसीका बाइक गाडी हुने छैन, जितना भी रोडमे चल्दै उतना ज्यादा डिजर्ट गर्छ। इतना देखो आदमी, देखो आदमी का भीड़ कुंभ मेला जैसा लगा हुआ है। मेरे दोस्त ने बताया था कि मतलब ये पैंडल में है क्या, है क्या कि मतलब लोगों से। बच्चा को दे दिया? क्यों दे दिया बच्चा को? तो इतना ह्यूज पैंडल है, पहुंचने में हम लोगों को टाइम लगेगा भाई। अच्छा लग रहा है। ओ इस बार ना क्यों सबने ऐसा ऐसा चेहरा वाला पैंडल बनाया? पता नहीं, पहला वाला गया था वो भी यही थीम वाला था ना। हाँ। अभी ये जो है ये वाला ये भी यही थीम वाला है। और रुबेन पूरा इरिटेटेड हुआ क्योंकि उनका पूरा गर्मी था अंदर गर्मी था कि मैं क्या लेकिन फुली आप लोगों को पंडाल का वो दर्शन अच्छे से मिला होगा भगवान का। और पंडाल इतना अच्छा बना हुआ था, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पंडाल आज का विजिट का सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन पंडाल। आप ये बोल रहे थे कि मतलब सब पंडाल अंधेरा अंधेरा, ये तो हां या everything was like dark toned only, मतलब जो भी पंडाल हम लोगों ने विजिट किया सब अंधेरा रेड कलर और ये जो एकदम उजाला भी था, मन भी खुश हो गया। और वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड, ये जो पंडाल बनाया है ना
ये लोगों ने ना बुद्धिस्ट थीम पंडाल बनाया है वहाँ पे ना, तारा देवी दुर्गा दुर्गा माता को भी वहाँ पे तारा माता वो रूप दे दिया, मतलब उनको फीचर्स इतना था, ड्रैगन सब बनाया हुआ था इन्फिनिटी, और वो जो एकदम फर्स्ट एंट्री में जो दिखाया गया था वो भी एक बुद्धिस्ट का ही एक वो है, तो ये पंडाल बुद्धिस्ट थीम पंडाल। अच्छा इस बार से हम श्योर जाइंट व्हील। लास्ट टाइम क्या बताया था? रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर हम जाएंगे इसलिए और भीड़ है। सॉफ्टी खाना है? आइसक्रीम। सॉफ्टी आइसक्रीम खाना है? नहीं खाना है, छोड़ दो, एयरप्लेन के लाइन है फिर। इतना आदमी देखने का एक साथ देखने का आदत नहीं है मेरे को, तो कब यहाँ से निकले और धंधा हो गया तो पूरा सिलगुड़ी का आधा पॉपुलेशन ही और को लग रहा है कि कैसा निकलेंगे यार, तो मुझे तो एकदम मजा आ रहा है भाई। मेरे को तो बहुत ये पूजा कमिटी ने इतना चालू काम किया कि वो लोग ने एकदम निकालने के एग्जिट मेला घूमने के बाहर से मिला है, और रूबेन इरिटेटेड हो रहा है। इस तरह से सोशल एंग्जायटी, एक तो क्योंकि मेरे को इतना आदमी देखने का आदत नहीं है, मैं घर पे रहता दार्जिलिंग में पिछले एक साल से, मैं देख रहा हूँ कि मतलब हम लोग 7 बजे का खाना खा के सो जाते हैं, एकदम सिंपल लाइफ है, स्लो एंड सिंपल। और अभी यहाँ पे देख रहा हूँ कि मतलब लोगों की भीड़ ऐसी जमा हुई है, धक्का धक्का बस आदमी, वही तो, और इसको बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। अभी हमने स्टॉप किया डिनर के लिए, तो डिनर अनिशा ऑर्डर कर रही है, पता नहीं उसका वॉइस भी आ रहा होगा पीछे से अगर वो ऑर्डर कर रही है तो वहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने एक ही माइक पहना है तो माइक का फ्रीक्वेंसी मैच होता है, इतना डिस्टेंस में भी मैच हो जाएगा। सो द ब्यूटी ऑफ सिलीगुड़ी इज दिस, यू गेट फूड एट 11 o'clock इन द एट नाइट, और आशियाना तो 24/7 खुला रहता है। सो आज पैंडल हॉपिंग कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक पैंडल ही इतना सेटिस्फाइंग था कि मतलब हमें दूसरा पैंडल के थ्रू और जाना जाने का कोई दरकार ही नहीं पड़ा, ये छोटे छोटे पैंडल देख के वो एक पैंडल देखना वॉज मोर देन एनफ। सो आशा करता हूँ आप जितने भी अभी तक ब्लॉग देख रहे हो उनको पसंद आया होगा ब्लॉग। और एक अपडेट बता दो कि मॉम डैड का थोड़ा सा लेट हो गया है, उनका ट्रेन 11:30 को है। आई एम लिटिल अपसेट, बट देन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट द शेयर। सो अगर मैंने उनको ये अपना ये साइड अपना क्या बोलते हैं ये बैड साइड दिखा दिया, बैड साइड यानी कि दुखी साइड दिखा दिया, तो बनने का कोई फायदा नहीं हुआ। एनीवेज मैं ब्लॉग में डाल रहा हूँ, आई वाज सैड इन द मॉर्निंग बट देन इवनिंग में आते आते द पूजा वाइब्स गॉट मी इनटू अ रिलैक्स मोड, सो सीइंग ऑल दैट इट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस, नवरात्रि वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। सो कल दशहरा है, दशहरा में दूसरा ब्लॉग आएगा, सो मैं ब्लॉग अभी रेगुलर पोस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद गोप्रो पकड़ाऊँ तो मेरे को ब्लॉगिंग करने का मतलब टेक्निक्स भी मैं भूल गया काफ़ी। सो आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा, सो बने रहिए अभी एंड तक, मतलब घर तक घर पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ अनिशा का एंडिंग रहेगा, सिग्नेचर मूव रहेगा, क्या क्या कहना चाहती है वो। सो सही ट्रेन से कौन से रिलीज भैया अन्त 6 बजे आउनु पर्छ भनेर थाहा छ त आज नवरात्रिको दिन अन्त त छिटै हिँडेको कि त्यो कुकुरले गर्दा नि विजयलाई फेरि यस्तो यस्तो लिनु भनेर भन्नलाई विजय ड्युटीबाट लिएर आयो हो, अन्त त्यो कुकुरले गर्दै ढिलो भयो के हो ल ठिकै छ, हामी खाँदा खाँदै गर्छु, फोन गर्नु नि अनि मलाई भन्दा पनि म त सुतिसकेको छु भने फोन उठाउँदै थिएँ कि, अनिसालाई फोन उठाउनु, म बेलुका जसरी पनि उठाएर 2 बजी 3 बजी भए पनि लिन आउँछु नि। ल ल कस्तो ट्रेन मिस गरेको हौ?
सो गाइस सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग एक्सलेशन एकदमै थाकेर एकदमै थकित भइरहेको भयो. एज यु क्यान सी आई एम एन्डिङ दिस व्लग इभन आफ्टर चेन्जिङ माई क्लोथ्स. फर्स्ट थिङ आई डिड वाज आउनु बित्तिकै पहिले चाहिँ कपडा खोलेर आफ्नो घरको कपडामा आरामसँगले बस्नु भइरहेको थियो. आई डिड द्याट, आई एम रिल्याक्स एन्ड देन आई एम एन्डिङ दिस व्लग अन अ स्विट नोट द्याट अब चाहिँ हाम्रो नवरात्रि चाहिँ राम्रो भयो. अबे लाइक धेरै जग्गा घुम्यो, मजा पनि आयो. बट देन अनफर्चुनेट कुरा चाहिँ के भएछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मम्मी र पापा चाहिँ जानुहुँदै थियो दिल्ली. पूजाले गर्दाखेरि एनजेपीको रसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रेनै मिस भएछ. होइन न के हुन्छ भनेर अब न आफ्टरको ट्रेनमा जानुहुन्छ कि या त यहीँ हुनुहुन्छ भोलि, द्याट वी डोन्ट नो. स्टिल अब राति अब 1 बजीतिर एनजेपी जानुपर्ने सिनारी पनि हुनसक्छ. स्टिल देन वी आर एन्डिङ दिस व्लग अन अ स्विट नोट. सो हेप्पी दसैँ टु अल एन्ड हेप्पी नवमी. शुभ नवमी त सक्यो. अब त 12 बजी उता हेप्पी दसैँ टु इच एन्ड एभ्री वान. सबैजनाको दसैँ राम्रोसँगले बिताओस् यही शुभकामना गर्दै तपाईँहरूलाई माया दिन्छु. बाई बाई, धन्यवाद.